यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? क्लास 8 थे, रेज योर हैंड्स। क्लास 8 थे, एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड्स इफ आई एम ऑडिबल। क्लास 8B, एम आई ऑडिबल? ओके, 8A में आवाज नहीं आ रही है मेरी। 8A, क्लास 8 थे, उनको आवाज नहीं आ रही। 8A में आवाज तो आ रही है ना। टीचर प्लीज टेल मी, आवाज आ रही है 8A में? गए। यस, क्लास 8B, एम आई ऑडिबल नाउ? रेज योर हैंड्स। क्लास 8B, ओके, ठीक है बच्चे। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर। डू यू नो दैट? डू यू हैव द वर्कशीट? मैम नो, ओके, कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। यस बेटा, सेटल डाउन फास्ट। सो बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके स्कूल में हो चुके हैं, आपके क्लास में चैप्टर हो चुके हैं? मैम ओके, ठीक है बेटा। हेयर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर, बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म्स विच आर यूज इन दिस चैप्टर, सो दैट द क्लैरिटी ऑफ द चैप्टर विल बी मोर, राइट? सो वॉट आर दोज टर्म्स, वॉट आर दीज थिंग्स, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स? आज हमने सब कुछ यही करना है। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो देखिए, केमिकल, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यस, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एक्चुअली देखो बेटा, होता क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट शोज वेरियस टाइप्स ऑफ इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है, कौन बताएगा? यस, इलेक्ट्रिक करंट शोज वेरियस टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। वन ऑफ द इफेक्ट इज केमिकल इफेक्ट, राइट? इलेक्ट्रिक करंट शोज ऑल्सो अदर इफेक्ट्स। कौन कौन से इफेक्ट है? आपने कभी देखा आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती है वो गर्म हो जाती है? हो जाती है गर्म जब आपने कोई ट्यूबलाइट ऑन की, बल्ब ऑन किया, जब तक आपने इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं की थी, तो क्या वो बल्ब हॉट हुआ था? बताइए, नहीं होगा। और जैसे ही आपने उसमें से करंट पास किया, द बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इट विल बिकम हॉट। चाहे अवन हो, गीजर हो, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे तभी तो गीजर का पानी गर्म होगा, अदरवाइज होगा? बताइए, यस नो बोलिए। हीटिंग इफेक्ट। यस, तो दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? सो वन ऑफ द इफेक्ट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक और इफेक्ट हम पढ़ते हैं, कोई बताएगा? हम करंट यूज करके किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को हम मैग्नेट बना सकते हैं। जब तक हम उस आयरन के ऑब्जेक्ट में से करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, दैट आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन नेल हो गया, यू कैन से फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल, इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। सो विच इफेक्ट इज दिस नाउ? इसको हम बोल सकते हैं इफेक्ट
यस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? मैम समझ ये, आ रही चीज बच्चे? तो हमारे पास बेसिकली तीन इफेक्ट हम पढ़ते हैं, एक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक हीटिंग इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट. सो दिस चैप्टर इज अबाउट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो केमिकल इफेक्ट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल्स में क्या रिलेशन हुआ, कोई बताएगा मुझे? एनी रिलेशन? हम प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ही कर रहे हैं यहां पर भी, या कोई और पर्पस से यूज कर रहे हैं, बट यहां पर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस लाइक सोडियम क्लोराइड, NaCl मोस्ट कॉमन आपने पढ़ा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड आपने पढ़ा होगा अगेन, ये ऐसे सारे सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी पास होने से आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना देते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, कब फ्लो करता है करंट? हाँ, ये देखो, हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. बेसिकली जब कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, देयर इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी विल बी देयर. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बिना फ्लो नहीं कर सकती. एंड व्हाट आर दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स? दे आर नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, यू कैन से. तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म्स मोर क्लियरली. ठीक है, चलिए आप एक चीज बताइए, ये सारा यूनिवर्स हमारा किस चीज का बना हुआ है? आप हो, मैं हूं, आपके सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं, सब किसकी बनी हुई है? दे ऑल आर कंपोज ऑफ मैटर. ठीक है, दे ऑल आर कंपोज ऑफ मैटर. मैटर किससे बना हुआ है बेसिकली? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो मैंने बोला सोडियम, इसको हम एटम भी बोल सकते हैं, इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, तो डिफरेंस क्या है? कब हमने एटम बोलना है, कब हमने एलिमेंट बोलना है? हाउ यू विल नो? सोडियम को ही हम एटम भी बोल दिया, सोडियम को मैंने एलिमेंट भी बोल दिया. आपके पास आयरन है, कैन एनीवन टेल मी द सिंबल ऑफ आयरन? एफी वेरी गुड, शाबाश, Fe. अगेन ये हमारा एक एटम भी है, एंड वी कैन से इट एलिमेंट ऑल्सो. व्हाई? बोलो. नहीं पता है ना? सपोज करो ये मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, किसके हैं? लेट अस से ये सारे आयरन के हैं, सारे के सारे आयरन के पार्टिकल्स हैं, और इन सभी पार्टिकल्स ने मिलकर कोई आयरन की शीट बना दी. ठीक है, एक आयरन की शीट फॉर्म कर दी इन सभी पार्टिकल्स ने मिलकर. ठीक है बच्चे, ये सारे पार्टिकल्स जब इकट्ठे हुए हैं तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. ये सारे पार्टिकल्स हैं एलिमेंट्स, और किसी एक पार्टिकल को उठा लो, लेट अस से मैंने ये वाले पार्टिकल को ले लिया, इसको हम बोलेंगे एटम. ठीक है, जैसे पानी की बाल्टी भरी हुई है, ठीक है, पानी के कोई कप है, बॉटल है, पूरे में के अंदर क्या है? वॉटर ही तो है. उसमें से आप एक ड्रॉप निकाल लोगे तो वो क्या है? वो भी वॉटर है. पूरी बॉटल में भी वाटर है और एक ड्रॉप आपने निकाली, वो भी वाटर है. वो एक ड्रॉप आपका एटम है और वो सारा पानी आपका एलिमेंट है. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, पानी एलिमेंट नहीं होता है, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, वाटर एलिमेंट नहीं होता है, इज दिस क्लियर? तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ. तो ये एटम एक छोटा पार्ट है एलिमेंट का. ठीक है, जैसे आप क्लास में बैठे हो, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, किसी एक बच्चे को निकाला तो वो भी स्टूडेंट, तो
तो वो एक स्टूडेंट एटम है और आपकी पूरी क्लास एलिमेंट है। आई होप ये समझ आ गया सबको। ये ये भूलना नहीं है बेटा, ये सारा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएंगी ये चीजें। इज दिस क्लियर? तो ये वन ऑफ द पार्ट था, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एटम्स। लिख लो बेटा इस चीज को, नोट्स में लिखिए जरा साथ साथ में। नहीं ठीक है, लिखिए जरा। एटम, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड एलिमेंट, ये लिखिए जरा, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट। ठीक है, एटम इज द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलेस्ट लिख लीजिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव एन आयरन शीट, इफ वी हैव एन आयरन शीट, आयरन नेल भी लिख सकते हो, ठीक है, आयरन शीट लिख लो फिलहाल। इफ वी हैव एन आयरन शीट कंपोज्ड ऑफ आयरन ओनली, कंपोज्ड ऑफ आयरन ओनली, देन द होल शीट इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट, द होल शीट इज मेड अप ऑफ एन एलिमेंट, एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट शीट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट शीट इज एन एटम। ठीक है, ये डायग्राम बना लो थोड़ा सा, ये ध्यान रहेगा फिर। ठीक है, ये सारी किसकी बनी हुई है? आयरन से। डन बच्चे? ओके बेटा, सी नाउ लुक एट द बोर्ड। नाउ हमने ये पढ़ लिया, मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, व्हाट आर एटम्स। नाउ एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, एटम्स किसके बने होते हैं? यस, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है बच्चे, एटम्स के अंदर दो चीजें होती हैं, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नोन एज प्रोटॉन। प्रोटॉन। ठीक है, नाउ ये जो आपको पिंक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। ठीक है जी, द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रोटेट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे से गोल गोल घूम, जैसे हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं अराउंड द सन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर?
सो ये पता लग गया सबको, ठीक है? इस तरीके से जैसे कि ये आपको लिथियम का स्ट्रक्चर दिया गया है, लिथियम भी एक एटम होता है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? चलिए ये क्लियर है, ये लिखना, ये ड्रॉ कर लो सभी, एटम लिखकर एटम के साथ ये ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, सिर्फ इतना ही करना है बेटा आपने, ये वाला पार्ट। हाँ जी क्लियर है बच्चे ये? यस चल नाउ चलिए बेटा, नाउ व्हाट आर आयंस, व्हाट आर आयंस, आयंस आप बोलते हो ना कि करंट पास किया तो आयोनाइजेशन हो गई, आयोनाइज हो गए। नाउ व्हाट आर दीज आयंस, हु विल टेल मी व्हाट आर द आयंस, एनीवन इन द होल क्लास? Very वेरी गुड। लास्ट में जो एक गर्ल का हैंड रेज है रेड टी शर्ट में, आ जाओ बेटा जल्दी से भाग कर आ जाओ। यस बेटा, व्हाट आर आयंस? सब्सटेंस विच कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यस, एंड फ्रॉम वेयर दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज केम? फ्रॉम मैम एटम्स एटम्स। वेरी गुड गुड, गो बैक टू सी बच्चा। सो लिखिए जरा, व्हाट आर आयंस? आयंस आर द चार्ज्ड स्पीशीज। लिखिए जरा बेटा, व्हाट आर आयंस? राइट एवरीवन, व्हाट आर आयंस? आयंस आर द चार्ज्ड स्पीशीज which forms पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है बच्चे, which forms पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस? तो चार्ज स्पीशीज, ठीक है, दे आर द चार्ज्ड स्पीशीज which form टाइप्स ऑफ आयन कौन कौन से? या तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा या फिर वो नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है बच्चे, पॉजिटिव को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो और नेगेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पॉजिटिव वालों को हम क्या बोलते हैं? हु विल टेल मी व्हाट पॉजिटिव आयन्स आर कॉल्ड? पॉजिटिव आयंस आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन केटाइन्स, एंड नेगेटिव आर ऑल्सो नोन एज एनाइन। साइन कैसे याद रहेगा कि केटाइन पॉजिटिव होते हैं, एनाइन नेगेटिव होते हैं? हाउ यू विल रिमेंबर दिस? सी, केटाइन को उठा लो बस, ठीक है, सिर्फ केटाइन को होल्ड करो, ये जो इसका टी है इसको पॉजिटिव बना दो। क्या बना ये? पॉजिटिव। पॉजिटिव, कैटाइन्स आर पॉजिटिव, समझ आया? तो एनआईन नेगेटिव ही होगा, दोनों तो पॉजिटिव होंगे नहीं। इफ कैटाइन्स आर पॉजिटिव देन एनआईन्स आर नेगेटिव। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज लर्न करनी है, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, वो आगे करेंगे अभी, ठीक है, पहले इसको दिमाग में रखना बिल्कुल अच्छे से। कैटाइन्स क्या है? कैटाइन्स आर कैटाइन्स पॉजिटिव आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, एंड एनाइन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। राइट बच्चे,
तो ये नहीं भूलना है। तो दो तरह के आयंस होते हैं। अभी आए कहां से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने कहां से। सपोज करो मेरे पास तो NaCl था, ठीक है, जो Na होता है वो पॉजिटिव होता है और Cl जो होता है इसमें वो नेगेटिव होता है। देखो जो Na है इसमें Na जो है वो पॉजिटिव है, Cl जो है वो नेगेटिव है। बट ये बनेगा कब पॉजिटिव और नेगेटिव? NaCl जो आपके घर में सॉल्ट है नॉर्मल, क्या उसमें से करंट पास हो सकते हैं? नहीं होगा। बट अगर आप उसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तब हो जाएगा, तब करंट पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने से जो NaCl था बेटा वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आई ये चीज, क्लियर हुआ? तो अब मुझे बताओ जब NaCl के पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर प्रेजेंट, विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? बताइए। यस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड, विल कंडक्ट। ठीक है, आई बेटा ये बात समझ? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का होना जरूरी है। समझ आया बच्चे? सिमिल, ये क्लियर हुआ सबको? ये नोट किया टाइप्स ऑफ आयंस, डेफिनेशन के बाद ये नोट करो जरा, टाइप्स ऑफ आयंस लिख लिया? ठीक है, चलिए। अब ये समझ आया, जब भी कहीं पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा द इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, और सपोज करो मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है, आई हैव ग्लूकोज, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया, आई डिसॉल्व इट इन वाटर एंड नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर प्रोड्यूस, कोई भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, ना पॉजिटिव आयन ना नेगेटिव आयन। विल ग्लूकोज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी लिखना है तो लिख लो बेटा, C6H12O6, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं H2SO4। अगर इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया या सल्फ्यूरिक एसिड में को डाइल्यूट किया, डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा पानी ऐड करना, तो ये क्या करेगा बेटा, इट विल फॉर्म आयंस H+ एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस। तो देखो अगेन इसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट और नॉट इन द सल्फ्यूरिक एसिड, विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? रेज योर हैंड्स इफ सल्फ्यूरिक एसिड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओनली फ्यू हैंड्स, गुड। ठीक है, देखो आप में सिर्फ ये देखना है जिसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म हुए विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? यस, तो सल्फ्यूरिक एसिड करेगा, ग्लूकोज नहीं करेगा, बिकॉज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म, नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ग्लूकोज के लिए, तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिख लो बेटा ये भी, ग्लूकोज का हेडिंग डालो, फॉर्मूला लिखो और लिखो नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड, लिखो जरा, मैं लिखवा रही हूं, लिखिए। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विल नॉट
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर फॉर्म्ड. Whereas, Yes. a solution of NaCl, a solution of NaCl, NaCl क्या है हमारा? ब्रैकेट में नेम लिखिए इसका, सोडियम क्लोराइड. NaCl के साथ आपने लिखना है सोडियम क्लोराइड. ठीक है जी. एंड सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लीजिए, H2SO4 एटसेट्रा विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Because of the formation of positive and negative ions. Because of the formation of positive and negative ions. ठीक है बच्चे? Is this clear? नो चलिए, ये तो हो गया हमारा. यस, सी हाउ न्यूट्रल एटम फॉर्म आयंस. अब हमें ये बताना है कि जो एटम होते हैं वो आयंस कैसे बनाते हैं. ठीक है बच्चे? देखो, हाउ न्यूट्रल एटम फॉर्म आयंस. देखो, न्यूट्रल एटम का मतलब है जिसके ऊपर अभी कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन नहीं आया है. ये बेटा ध्यान से समझना, एक्चुअली ये चीजें बुक में नहीं है. ठीक है? कोई भी एटम, जैसे कि सपोज करो आपके पास एक सोडियम एटम है, अभी इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है. तो जब तक किसी एटम के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इज नॉट प्रेजेंट, टिल दैट टाइम एटम इज कॉल्ड न्यूट्रल. ठीक है? न्यूट्रल का मतलब ना तो अभी वो पॉजिटिव है ना ही अभी वो नेगेटिव है. बट कोई भी एटम एक ही चार्ज ले सकता है, एक ही तरह का आयन बना सकता है. या तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा या वो सिर्फ नेगेटिव आयन बनाएगा. जैसे कि सोडियम के केस में है, ये सिर्फ पॉजिटिव आयन्स बनाएगा, ये नेगेटिव आयन्स नहीं बनाता. क्लोरीन के केस में वो सिर्फ नेगेटिव बनाएगा, ये पॉजिटिव नहीं बनाता. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बन रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा ही समझेंगे इस चीज को. देखो, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या गेन करेगा. ठीक है, हायर क्लासेस में थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. कोई भी एटम अपने आप को, अपने इलेक्ट्रॉन या तो वो लूज करता है या वो गेन करता है. इफ एनी एटम विल लूज द इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म कैटायन, दैट इज पॉजिटिव आयन. एंड इफ एटम इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट विल फॉर्म एनायन. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ मुझे अब ये बताओ. अगर मैंने Na+ लिखा तो ये इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया बताइए. पॉजिटिव साइन लिखा मैंने, तो सोडियम ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूज किए या गेन किए बताइए. यस, हम इसने क्या किया, लूज. देखो मैंने लिखा ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म पॉजिटिव आयन. अब सोडियम के ऊपर अगर पॉजिटिव आयन है, इट मीन इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए.
अगर मैंने मैग्नीशियम लिखा Mg+2, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन? यस, इसने भी क्या किया बेटा? आवाज नहीं आ रही मेरी, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड्स बच्चा, पता नहीं लग रहा, आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है कोई। ओके ठीक है, तो मैग्नीशियम ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम लिखते हैं +2 आते हैं, इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन हैज अ नेगेटिव चार्ज, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन और इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज गेनिंग, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ऐसे ही ऑक्सीजन, इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज साइन लगाया मैंने, 2 नेगेटिव, नेगेटिव साइन आया, इसका क्या मतलब हुआ है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या गेन किए? गेन गेन किए। ठीक है, तो अब आपने ये नहीं देखना कि कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है, आपने क्या देखना, जब भी आपको पॉजिटिव साइन मिला इट मींस वो दैट एलिमेंट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, और जिसने गेन किया उसने, उसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन, आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये सारी बन चुके हैं चार्ज्ड स्पीशीज, अब ये चार्ज्ड बन चुके हैं, अब ये सारे आयंस हैं। जब तक ये सोडियम था, Na था, तो ये एटम था, ये एटम था, जब तक इसके ऊपर कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन नहीं था, ठीक है, तब तक ये एटम था। ऐसे ही क्लोरीन भी एक एटम था, बट जब इनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आ गए तो ये बन गए हमारे आयंस। पॉजिटिव क्यों आया, ऑन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव साइन क्यों आया, ऑन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, इतना यस लिख लीजिए बेटा जल्दी से, न्यूट्रल एटम ये ड्रॉ कर लो, न्यूट्रल एटम सिर्फ इतना पार्ट, ग्रीन ब्लू रेड एंड ब्लू सर्कल, यस डन बेटा। यस चलिए अब इसके अंदर कैटायन के नीचे यहां पर आपने एग्जांपल्स लिखनी है बेटा, ये कुछ नहीं लिखना जो लिखा हुआ है, यहां पर ये सारी एग्जांपल्स लिख लीजिए तीनों, ये कैटायन की साइड पर और ये एनायन की साइड पर, ये वाली दोनों एग्जांपल्स, कैटायन के नीचे ये तीनों लिख लो, एनायन के नीचे वो दोनों लिख लो नेगेटिव साइन वाली। डन ओके बेटा, प्रॉब्लम ओके बेटा, सबका हो गया बच्चे? ओके चल, चलिए नाउ द, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? अभी हमने पीछे टॉपिक किया कि NaCl विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और सल्फ्यूरिक एसिड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्लूकोज विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यही हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर, इलेक्ट्रोलाइट्स आर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विच कंडक्ट भी मत लिखो, इसको लिखो विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट,
allow the to pass through it. ठीक है, और इसी में एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत सारी एग्जाम्पल आ सकती है, NaCl, HCl, H2SO4, टैप वाटर, ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस डज आर बॉडी हैज? होते हैं, आयरन होता है हमारी बॉडी के अंदर, होते हैं, कैल्शियम होते हैं, क्या बनता है कैल्शियम से हमारी बॉडी के अंदर? कैल्शियम किस चीज में हेल्प करता है? बोन्स बनाने में, है ना? हम बोलते हैं ना कैल्शियम, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगी कैल्शियम से। आयरन भी है, आयरन कहाँ होता है? हमारे ब्लड में होता है। कैल्शियम है ना, हमारी बोन स्ट्रांग बनाते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर? बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, सोडियम भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, मैग्नीशियम आयंस भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, आयरन आयंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, अभी मैंने और क्या बोला था, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है, बहुत सारे आयंस हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, इसीलिए हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, करंट लगता है ना हमारी बॉडी को, अगर है ना हमारे फुट गीले हो, हमने कुछ पहना नहीं हुआ, स्लीपर्स वगैरह, और हमने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को टच कर दिया, तो हो सकता है हमें करंट लग जाए, तो हमारी बॉडी क्या बन गई है, एक पाथ बन गई ना उस करंट को फ्लो करने के लिए, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर चार्जेस है। कहाँ है वो चार्जेस? यही है वो चार्जेस, कहीं पर नहीं है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो? तो हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है इन केस ऑफ सम, नॉट एवरी टाइम, इन सम केसेस। ठीक है, अगर हमने स्लीपर्स पहने हुए हैं, ड्राई स्लीपर्स हैं, तो करंट पास नहीं करेगा फिर, समझ आई ये चीज? तो इसी बेसिस, ये इलेक्ट्रोलाइट समझ आया बेटा सबको? जो करंट अलाउ कर दे अपने आप में से पास हो ना, वो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर व्हाट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं बेटा? मैम विच डू नॉट करंट टू विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, लिख लीजिए जल्दी से, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है बच्चे, जैसे कि अभी हमने किया, ग्लूकोज, डिस्टिल्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, कौन सा वाटर? सॉल्ट सॉफ्ट वाटर नहीं होगा बेटा, सॉल्ट वाटर तो कंडक्ट कर जाएगा, वाटर में सॉल्ट डल गया ना, मैम सॉफ्ट वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर मे बी विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसमें कुछ इंप्यूरिटीज हुई तो वो कर भी सकते हैं, बट डिस्टिल्ड वाटर में डेफिनेटली नहीं होता। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर भी एक स्पेशल केस है, इसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं, बट स्टिल इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोथ आयंस आर प्रेजेंट, ये एक स्पेशल केस है डिस्टिल्ड वाटर, बट इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इज दिस क्लियर? गुड, मैम यस नोट हो गया बेटा, चलिए आगे।
यस ना सी, ये आपने कहीं पे देखा हुआ है इन योर प्रीवियस क्लास? यस यस, ठीक है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? इट इज अ ड्राई सेल, इट इज अ ड्राई सेल। देखो, अगर मैं इस सर्किट में से इस ड्राई सेल को रिमूव कर दूं, हटा दूं, सो देन विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, जैसे कि सपोज करो आई हैव दिस बल्ब, दीज वायर्स ऐसे लगी हुई है, यहां पर कुछ भी नहीं है, खाली जगह पड़ी है, क्या यहां से पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? विल दिस बल्ब ग्लो? नो नो। तो मुझे क्यों? क्योंकि यहां पर खाली जगह पर क्या है? सारी एयर है, ये तो एयर है, तो एयर से करंट पास नहीं हो सकता। इट मींस एयर इज अ पुअर कंडक्टर। अगर एयर कंडक्ट कर सकती तो ये करंट फ्लो कर जाता, ये बल्ब ग्लो कर जाता, बट ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इट मींस जो यहां पर बीच में एयर है, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दिस क्लियर? समझ आए? और अगर मैं यहां पर सपोज करो कोई, मैंने यहां पर एक स्पून लगा दिया, देख लेना ढंग से नहीं बनता मुझसे, ठीक है, सपोज ये स्पून है, कोई भी मेटल की चीज मैंने यहां पर लगा दी, एनीथिंग, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? यस क्योंकि ये जो खाली जगह थी ये कवर अप हो गई है, खाली था, बीच में मैंने कुछ लगा दिया, कोई भी मेटल की आ, आ, की लगा दी, मेटल का स्पून लगा दिया, फॉर्क लगा दिया, कुछ भी, तो सर्किट पूरा हो जाएगा एंड द बल्ब विल ग्लो, ठीक है। बट जब, ठीक है, अब ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा इस केस में? यस। अच्छा मुझे अब ये बताओ, गुड कंडक्टर क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर? टेम्परेचर लो इलेक्ट्रिसिटी टू पास जो थ्रू। करंट पास, जिनमें से करंट पास हो जाए, दे आर गुड कंडक्टर। जैसे कि हमारी वायर्स होती हैं घरों में, कॉपर की वायर, एल्युमिनियम की वायर, सबने देखा है ना, तारे लगी होती हैं उनके अंदर सिल्वर सिल्वर या ब्राउनिश कलर की वायर्स देखी हैं सबने, किस यस किसने नहीं देखी हुई? कभी भी नहीं देखी वायर्स। वो वायर्स क्या है? दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो गुड कंडक्टर होती हैं। एक होता है बैड कंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास नहीं होने देते, राइट? तो ये जो ड्राई सेल हमने यहां पर यूज किया, सो इट इज, इट विल बी ए गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड गुड कंडक्टर क्योंकि इसमें से करंट पास हुआ, और ये जो बल्ब है, दिस बल्ब विल ग्लो नाउ, ठीक है, ये ग्लो करेगा, ये ऑन हो गया, ठीक है जी। अगर ये मैं सेल रिमूव कर दूं तो ये फिर बल्ब बंद हो जाएगा, क्योंकि बीच में फिर से एयर आ गई, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है बच्चे। नाउ यस व्हाट डज दिस अरेंजमेंट कॉल्ड एज? विल द बल्ब ग्लो? ये सेम वही चीज आ गई यहां पर, बताइए मुझे, बल्ब ग्लो करेगा? नो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एंड बिकॉज़ द सर्किट इज ओपन ओपन, ये क्या है? ओपन सर्किट है, दिस इज द ओपन सर्किट। इस केस में बताइए, विल द बल्ब ग्लो? यस, ये करेगा, बहुत डिम करेगा बट करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? वाटर बिकॉज वाटर इज गुड इज कंडक्टर। देयर, बट यहां पर वाटर के दो टाइप्स हमने डिस्कस किए। अगर यहां पर टैप वाटर लिया गया है तब तो ग्लो करेगा, अगर डिस्टिल्ड वाटर है तब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। करेगा बच्चे लिख लो इसके, ये क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैपन इफ वी पुट, व्हाट हैपन इफ वी पुट ओपन एंड्स ऑफ वायर्स इन वॉटर? ओपन एंड्स ऑफ वायर्स इन वॉटर, यार लेकिन इफ द,
If the water is tap water, then the bulb will glow. If the water is the tap water, then the bulb will glow. ठीक है. And if the water is distilled, ठीक है. सभी लिखते नहीं दिख रहे हैं बेटा मुझे, कुछ स्टूडेंट्स लिख नहीं रहे हैं, लिख लो. इफ द वॉटर इज डिस्टिल्ड वॉटर देन द बल्ब विल नॉट ग्लो. ठीक है. तो चलिए इस केस में हम ये मानकर चलते हैं द वॉटर इज टैप वॉटर. ठीक है, यहां पर हमने ये मान लिया कि टैप वॉटर है. नाउ द बल्ब विल ग्लो. तो इलेक्ट्रोलाइट वॉटर क्या है यहाँ पर? इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट और नॉट? इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, क्योंकि उसने एक सर्किट कंप्लीट किया एंड द बल्ब विल ग्लो. टैप वॉटर इज एक्ट, जो पीछे वाले काम में, यहाँ पर जो ये ड्राई सेल काम कर रहा है वहां पर ये वाला काम टैप वॉटर कर रहा है. ठीक है बच्चे, जो यहाँ पर ड्राई सेल ने काम किया था वही काम कौन कर रहे हैं वहां पर? टैप वाटर कर रहे हैं. इज दिस क्लियर? ठीक. यस चलिए, डज एवरी लिक्विड और सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? चलिए मुझे जल्दी से बताइए किस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, किस केस में नहीं होगी. यहां पर दोनों केसेस में वाटर लिया गया. इन बोथ केसेस वी हैव टेकन वाटर. यहां पर भी वाटर है और यहां पर भी वाटर है. हेयर वी आर एडिंग सॉल्ट एंड हेयर वी आर एडिंग शुगर. सो दिस इज द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड दिस इज द शुगर सॉल्यूशन. आर सॉल्यूशन बल्ब डायग्राम में बल्ब पहले से ही ग्लो कर दिया है ना, तो यहां बल्ब ग्लो करेगा और यहां पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा. करेगा राइट, क्यों नहीं करेगा? अभी हमने पढ़ा सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, वेयर एज शुगर सॉल्यूशन इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में बल्ब ग्लो नहीं किया एंड शुगर सॉल्यू सॉरी सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, इस केस में बल्ब ग्लो कर गया. इज इट क्लियर? ठीक यस है, ये तो रिपीटेड चीजें आ गई हैं, ये भी हो गया है. ये हो गया सर. अच्छा, एक चीज और थी बेटा, हमारे ऑल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड बेसिस सबने पढ़ रखे हैं इन 7th क्लास, यू स्टडीड अबाउट एसिड एंड बेसिस, सबने पढ़ा होगा. न्यू टर्म्स नहीं है आपके लिए. एसिड्स क्या होते हैं? यस, कौन बताएगा? कम इन फ्रंट ऑफ द माइक. यस, एसिड्स ऑल सोर सब्सटेंसेस. ठीक है, तो जो हम लिख रहे थे ना बेटा, HCl, H2SO4, ये सब क्या है आपके? एसिड. ठीक, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? कैपिटल दे आर बिटर इन टेस्ट, है ना. और सॉल्ट्स जैसे कि अभी हमने किया NaCl. सॉल्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है. बेसिस जैसे कि आप लिख सकते हो NaOH. ठीक है, ये लाइन लिख लीजिए. ऑल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ऑल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, आर इलेक्ट्रोलाइट्स. आर इलेक्ट्रोलाइट्स. चलिए ठीक है, एसिड्स के नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिए. एसिड्स के साथ एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, HCl, H2SO4,
HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक गलत हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और भी होते हैं एसिड्स। एक आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये 7th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, एसिटिक एसिड, ठीक है। बेसिस के नियम लिख लीजिए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख लीजिए CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सॉल्ट में फिलहाल NaCl रहने दीजिएगा, ठीक है बच्चे। अब चलिए बेटा, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना बेटा, ये भी फर्दर तीन दो टाइप्स के कर सकते हैं हम। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो फर्क कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इजीली सेपरेट हुए हुए हैं, पॉजिटिव आयंस अलग दिख रहे हैं, नेगेटिव आयंस अलग से दिख रहे हैं। तो जहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इजीली सेपरेट हो जाएंगे दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस तो बने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस तो फॉर्म हुए, बट सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग नहीं हो पाए। देखो यहां पर ये क्या है, ज्वाइंट है, सेपरेट नहीं हो पाए, तो इसलिए जो ये इलेक्ट्रोलाइट था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट रह गया, ठीक है। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव है ही नहीं, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने ही नहीं, तो ये क्या है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, जहां पर सेपरेशंस प्रॉपरली हो जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रॉपरली फॉर्म होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वेयर सेपरेशंस पॉजिटिव ऑफ एंड नेगेटिव आयन इज नॉट प्रॉपर, और वी कैन से इनकम्प्लीट, दे आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे, इस केस में बल्ब ग्लो हो जाएगा बट कम होगा, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होगा। Is this clear? Yes. अब यहां भी बस ये लास्ट है हमारा, उसके बाद आपकी ये क्लास ओवर। देखो यहां पर बल्ब ग्लो हो रहा है, यहां पर बल्ब ग्लो है हो रहा है, क्यों? No. क्योंकि ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखो दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यू कैन से ना, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने ही नहीं है हमारे, यहां पर इन दोनों केसेस में से बल्ब किस केस में ज्यादा ग्लो हो रहा है, बी बी वाले में, तो क्या हम बोल सकते हैं यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और यस यहां पर कम ग्लो हो रहा है, तो दिस इज द वीक, बी की ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बेटा थोड़ा सा ये कल अगर रिपीट करने की नीड लगी तो हम रिपीट कर लेंगे फिलहाल, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास आई थिंक मैथ्स की क्लास है अभी आपकी, ठीक है, सो यू कैन कंटिन्यू विद योर मैथ्स क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।